सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी कार्य पत्रिका डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, क्रम संख्या 181, दिनांक है 1 मार्च 2021। ठीक है, अनुच्छेद पढ़ेंगे, इसमें विषय है मेरा विद्यालय। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख लेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर एक चित्र दिखाया हुआ है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मार्च 1 में आता है, ये 1 मार्च को। ठीक है, तो 2021 में 1 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है? इसका उद्देश्य नागरिक सुरक्षा के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और विभिन्न आपदाओं से हमें बचाते हुए शहीद लोगों को सम्मान देना है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपदाओं के बीच हमें बचाने में अपना योगदान दिया है। बच्चों, कोरोना महामारी के कारण आप लंबे समय से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। आपको अपना विद्यालय, अपने अध्यापक अध्यापिकाएं तथा अपने मित्र बहुत याद आ रहे होंगे, तो चलिए आज हम अपने विद्यालय को याद करते हुए विद्यालय के बारे में कुछ पंक्तियां लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर अपने विद्यालय के बारे में कुछ वाक्य लिखिए, वे उन्हें बोलकर पढ़िए। आप नीचे दिए गए संकेत शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। तो संकेत शब्द यहाँ पर दिए हुए बच्चों, हवादार कमरे, पेड़ पौधे, खेल का मैदान, साफ शौचालय, पुस्तकालय। तो देखिए, खेल का मैदान और सुंदर, इसका तो इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, इनका यहाँ पर यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, बाकी का हम कर लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है मेरा विद्यालय, मेरे विद्यालय का नाम है, तो जो भी नाम है सबके बच्चों के विद्यालय का वो यहाँ लिख लेंगे। इसमें एक बड़ा खेल का मैदान है, आप ये लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन लिखेंगे आप, मेरे विद्यालय में हवादार कमरे हैं। तीसरी लाइन लिखेंगे, मेरे विद्यालय में हरे भरे पेड़ पौधे हैं। लाइन 4 में लिखेंगे आप, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। और लाइन नंबर 5 में लिखेंगे, मेरे विद्यालय में साफ शौचालय है। और 6 लाइन में लिखेंगे, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपकी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है बच्चों, अब अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चे इस समय अपने विद्यालय को बहुत याद कर रहे हैं। विद्यालय से जुड़ी गतिविधियों के बारे में बच्चों के साथ बातचीत कीजिए। बच्चे से उसके प्रिय मित्र की विशेषता पूछिए। बच्चे से पूछिए कि उन्हें उसका सबसे अच्छा मित्र कौन सा है, उसे सबसे अधिक कौन सा पसंद है अपना मित्र, और वो उसे क्यों पसंद है, उसकी विशेषता पूछिए बच्चे से। और जो भी स्कूल में उनकी एक्टिविटीज़ होती थी, बच्चे क्या क्या एक्टिविटी करते थे स्कूल में, उसके बारे में सभी अभिभावक अपने बच्चों से बात कीजिए घर पर। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।